एक नई कहानी सुनी है सफ़दर ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा क्या जूलिया ने हैरतमेज़ लहजे में पूछा एक्स टू इमरान को सीक्रेट सर्विस में शामिल होने पर जोर दे रहा है सफदर ने इनकशाफ किया अच्छा ये वाकई नई बात है तुम्हें किसी ने बतलाया जूलिया के चेहरे पर इश्तियाक था इमरान खुद बतला रहा था सफदर ने जवाब दिया बकवास करता है एक्स टू को क्या ज़रूरत है उसकी मिन्तें करने की जबकि वो खुद उससे काम लेता है जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा हो सकता है एक्स टू को कोई को ख्याल आ गया हो इस बिना पर उसने इमरान से कह दिया हो सफदर ने कहा नहीं एक्स टू कभी किसी की मिन्नत नहीं करता वो सिर्फ हुक्म देने के लिए पैदा हुआ है और हम जैसे लोग बमाह इमरान के उसका हुक्म मानने के लिए जूलिया ने मरूब कुल लहजे में कहा मगर इमरान भी एक्स टू से कम नहीं हमारी तो और बात है मगर इमरान मैं समझता हूँ कि ये साहब एक्स टू से भी दो जूते आगे हैं सफदर ने इमरान की हिमायत की तुम ख़ाम ख़्वा उसकी हिमायत करते हो उसका और एक्स टू का क्या मुकाबला एक्स टू हर हाल में उससे आगे है इमरान को तो वो कट की तरह नचाता रहता है जूलिया खुल्म खुला एक्स टू की हिमायत में डट गई ये बहस जूलिया के फ्लैट में हो रही थी काफ़ी दिनों से कोई केस सीक्रेट सर्विस के पास नहीं आया था इसलिए आजकल सब मेंबर्स ऐश कर रहे थे इसलिए वक़्त गुजारी के लिए सफदर जूलिया की तरफ़ चला आया था ये ठीक है मगर इमरान की सलाहित का तुम्हें और मुझे हर किसी को अच्छी तरह अंदाज़ा है वो माफूकुल फितरत जहन का मालिक है सफदर भी शायद बैस बुराए बैस के मूड में आ गया था उससे पहले कि जूलिया कोई जवाब देती काल बैल जोर ज़ोर से बजने लगी मैं देखता हूँ सफदर ने कहा और फिर उठ कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कैप्टन शकील मौजूद था हेलो शकील आज कैसे अपने फ्लैट से बाहर निकल आए हो सफदर के चेहरे पर मुसरतों का समंदर मुज़न हो गया आप भी यही हैं बड़ी खुशी हुई कैप्टन शकील की आंखें भी मुस्कुराने लगी फिर वो अंदर आ गया हेलो जूलिया क्या हो रहा है कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए जूलिया से कहा बस सफदर से बहस हो रही थी जूलिया ने भी जवाबन मुस्कुराते हुए कहा अच्छा वेरी गुड किस मौजू पर बहस हो रही थी कैप्टन शकील ने सोफे पर बैठते हुए कहा इमरान और एक्स टू के मौजू पर सफदर ने हंसते हुए जवाब दिया बहुत खूब बड़ा दिलचस्प मौजू है कैप्टन शकील ने दिलचस्पी लेते हुए कहा फिर सफदर ने कैप्टन शकील को भी जेर बहस मौजू के मतलब सबका गुफ्तु से आगाह किया आपका क्या ख्याल है जूलिया ने कैप्टन शकील से पूछा वो शायद कैप्टन शकील को अपनी हमायत में लेना चाहती थी भाई मेरा जहाँ तक ख्याल है बस ऐसे अजीब सा है मैंने शुरू शुरू में एक्स टू के मतलब बड़ा सोचा था कि उनका असल रूप क्या है मगर बाद में मुझे ये ख्याल तर्क करना पड़ा क्योंकि मैं इस कोशिश में हर तरह से नाकाम रहा मैं एक्स टू को नहीं समझ सका वैसे इस बहस के मतलब मेरा ख्याल है कि दोनों एक दूसरे की टक्कर हैं एक्सकलू सिर्फ इसलिए इमरान से आगे है कि उसकी शख्सियत पर पर्दा पड़ा हुआ है इसलिए वो हमारे लिए एक अफसानवी किरदार बन गया है जबकि इमरान हमारे साथ उठता बैठता है इसलिए उसकी शख्सियत पुरअसरार नहीं बनी वरना मेरे ख्याल में दोनों एक दूसरे से कम नहीं कैप्टन शकील ने बड़ी तफसील से बात की एक बात है जूलिया अभी अभी मेरे जहन में एक ख्याल आया है हम हैं तो फारिग़ क्यों ना अपनी तरफ से एक केस पर तहकीक शुरू कर दें सफदर के चेहरे पर एक अजीब सी सुर्खी छा गई क्या केस जूलिया और कैप्टन शकील दोनों ने इश्तियाक से पूछा हम मिलकर एक्स टू की असल शख्सियत का खोज लगाना शुरू कर दें आखिर किसी तरह यह सस्पेंस तो ख़त्म हो सफदर ने वजाहत की ओह आइडिया तो अच्छा है मगर एक्स टू नाराज़ हो गया तो जूलिया एक्स टू की नाराजगी से खौफजदा थी एक्स टू को पता ही ना चलने दिया जाए और बिल्कुल निजी तरीके से काम शुरू किया जाए हती कि इमरान तक को भी ना बतलाया जाए सफ़दर ने अपनी तजवीज़ पर जोर देते हुए कहा मगर ये कैसे हो सकता है कि हम एक्स टू के मतलब तहकीक करें और एक्स टू को पता ना चले कैप्टन शकील ने कुछ सोचते हुए कहा इसे टॉप सीक्रेट रखा जाए इसलिए तो मैं इमरान को भी दरमियान में नहीं लाना चाहता वरना अगर इमरान हमारे साथ शामिल हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है तहकीक़ की ज़रूरत ही नहीं वैसे मुझे यकीन है कि इमरान अच्छी तरह जानता है कि एक्स टू दरअसल कौन है सफ़दर ने कहा तो क्या सिर्फ़ हम तीनों ही इस केस पर काम करें जूलिया भी शायद इस काम पर रजामंद हो गई थी नहीं सारी टीम को सिवाय इमरान के इस केस में शामिल कर लिया जाए सफदर ने कहा ठीक है मैं इस केस पर रजामंद हूँ लेकिन मेरी एक तजवीज़ है कि के इस केस की इंचार्ज मिस जूलिया ही हों कैप्टन शकील ने कहा नहीं मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ मैं सफदर का नाम तजवीज़ करती हूँ यह सीक्रेट सर्विस का केस नहीं हमारा अपना जतीी केस है जूलिया शायद एक्स टू के उताब से खौफजदा थी ऐसा करें कि सारे मेबरान एक खुफिया मीटिंग करें और फिर सब मिलकर अपना इंचार्ज भी मंतख कर लें और इस केस का लाआमल भी सफदर ने तजवीज़ पेश की और फिर उन दोनों ने इस बात की तायद की वैसे तीनों के चेहरे तजस और इश्तियाक से सुर्ख हो गए थे क्योंकि उन सब की फर्दन, फर्दन ज़बरदस्त ख्वाहिश थी कि एक्स टू की असल शख्सियत पर से पर्दा उठाया जाए मिस जूलिया आप अपनी तरफ से सब मेहमरान को कॉल कर दें मेरा ख्याल है कि इस मीटिंग के लिए हिल पार्क कैफ़े मुनासब रहेगा सफदर ने जगह भी तजवीज़ की अच्छी जगह है हमें हर कीमत पर इस मीटिंग को इमरान और एक्स टू की नज़रों से बचाना है कैप्टन शकील ने कहा और फिर जूलिया ने रिसीवर उठाकर फर्दन फर्दन सब मैंबरों को टेलीफोन पर एक निजी मीटिंग हिल पार्क कैफ़े में होने की इतला दी और ख़ास तौर पर इस बात की हिदायत की कि इस मीटिंग का इमरान को पता ना चले सब मैंबरों ने मीटिंग में शिरकत की हामी भर ली कल सुबह ग्यारह बजे का वक्त मुकर हुआ आप तशरीफ़ रखें मैं चाय बना लाऊँ जूलिया ने रिसीवर रखते हुए कहा और फिर उठकर किचन की तरफ़ बढ़ गई इस केस का क्या लाल होगा जूलिया के जाने के बाद कैप्टन शकील ने सफदर से पूछा जहाँ तक मेरा ख्याल है एक्स टू की असल शख्सियत का इल्म वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी सुल्तान को ज़रूर होगा इसलिए पहले उनका फ़ोन टैप किया जाए सफ़दर ने कहा वेरी गुड आइडिया जवाब नहीं सफ़र तुमने बड़ा बुनियादी नुकता सोचा है हो सकता है कि इस तरह हमें मजीद तहकीक करने की ज़रूरत ही ना पड़े कैप्टन शकील ने उछल कर जवाब दिया सफदर की तजवीज़ उसके दिल को लगी थी इतने में जूलिया चाय लेकर आ गई और फिर सब ने चाय की चुस्कियाँ लेनी शुरू कर दी